आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम, चुनाव का सबसे विश्वसनीय भरोसेमंद शो। और यहाँ की जनता क्या कहना चाह रही है बनारस की, सबसे पहले मैं सवाल उनसे ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ नेताओं के पास भी। छोटे में क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी सरकारों में कितने युवाओं को रोजगार दिया। और सर ये कहते हैं कि देश में विकास नहीं हुआ, जो हाईवे बन रहा है 96,000 किलोमीटर की सड़कें बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो इसको कौन करता है? इंजीनियर करते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, हाउ कैन यू से? देखिए मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब भी चुनाव होता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कल्टी में आ जाते हैं। जैसे एमपी में चुनाव था तो अखिलेश यादव जी कहते कांग्रेस को वोट मत देना, ये चोर है। और आज यहाँ आकर के आप गठबंधन कर लिए हैं, हम भरोसा आपके ऊपर कैसे करके वोट करें? रही बात इसकी, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपए आप वर्ष के देंगे खटाखट, आप ये बताइए कि जो 1,00,000 रुपए आप देंगे इसका वर्डन किसके ऊपर जाएगा? देश की जनता के ऊपर जाएगा या अपने घर से आप लेकर के आएंगे? इधर से किसी कुछ कहना था, जल्दी से। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और हमारे प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष है और उनके सिवाय कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। हाँ हो गया, बोलिए। हाँ हाँ, जिन लोगों की बात हो गई वो रहने दीजिए, बोलिए इधर से। हाँ हाँ सर, हेलो। आप ही भाषण थोड़ी देते रहेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे ना, बाकियों को भी बोलने दीजिए। हाँ हेलो, हो गया। अरे बोलना है तो बोलिए, इतना समय नहीं होता। क्वेश्चन पूछिए, ये बोलिए। हम नीचे आ जाइए। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? कौन प्रधानमंत्री बने? सर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि जो प्रज्वल देवना केस और ब्रजभूषण केस रहा है, क्या ऐसी कोई गारंटी है कि आगे ऐसा केस नहीं होगा? बताइए, जो कि मोदी जी के लाल में, क्या ऐसी कोई गारंटी है कि आगे ऐसा केस नहीं होगा? नरेंद्र मोदी। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, जरा जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? आप सभी लोगों से मेरा सवाल है, इधर आइए, सामने आ जाइए, कुछ बोलना है तो सामने आइए। राहुल गांधी। देश का प्रधानमंत्री चंदा चोर नहीं बनेगा। अमित शाह का बेटा अगर बीसीसीआई अध्यक्ष बनेगा तो देश का बेटा पकौड़ी नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी मंत्री। और दूसरा, प्रांजल रेवन्ना का क्यों नहीं कांड वो किया? 3,000। हाँ सर, हाँ सर, हम एक मुद्दा बोलना चाहते हैं, ठीक है, आइए इधर साइड में आइए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, आप धर्म गुरु हैं, क्या लगता है आपको? धर्म शिक्षा संस्कृति के स्तर पर, राष्ट्र के उत्थान के स्तर पर, देश की संप्रभुता के स्तर पर, सुरक्षा शिक्षा रोजगार के स्तर पर और धर्म के उत्थान के स्तर पर अभी नहीं, आगामी 20 वर्ष तक मोदी जी चाहिए, तो ये लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले कि घाट का भी तरीके से विकास नहीं हुआ है। नहीं, लोगों का काम है कहना, लेकिन यहाँ आ रहे टूरिज्म से पूछिए, बाहर दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जो पूछिए बनारस की व्यापार, बनारस की स्थिति, बनारस का टूरिज्म जो बढ़ा है वह हम और आप नहीं, यहाँ आने वाले दूर दराज से लोग बताएंगे। बनारस में टूरिज्म बढ़ा है क्या? किसको लगता है बढ़ा है? जरा हाथ उठा के बताइए। मेरा हस्बैंड ट्रैवल का काम है, 300 साल से हम लोग ट्रैवल का काम करते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। आप कांग्रेस की हैं क्या? नहीं, गुजराती। आप कांग्रेस से हैं क्या? नहीं, वो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बीजेपी के हैं क्या? आप बीजेपी के हैं? नहीं, आप बाहर बाहर आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 100 गुना बढ़ा है, भाविका से नाविका से झूठो मोदी जी। और झगड़ा मत करिए, झगड़ा ये ठीक नहीं है, इनका ये काम है ना 30 सालों से कर रहे हैं। सर इनका बात सुनिए ना, यहाँ पे अधिकांश नेता पैसा लेके आए हैं, वो अजय राय से रिलेटेड है और कुछ थर्रा वाले लोग बैठे हैं। मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है। महिलाओं का महिलाओं से दर्द बचे, क्या किसी महिलाओं का रेप होता है वो महिला कैसे बर्दाश्त करती है? महिलाओं का एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।